सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, फाइनली जो है RS 200 का एक न्यू अपडेट निकल के आ चुका है। बजाज पल्सर RS 200 जो है फाइनली जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। एंड गाइस, ये कंफर्म न्यूज़ है कि ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। अभी अभी जस्ट मेरे को ये न्यूज़ मिला है कि भाई RS 200 जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी एक न्यू अवतार में। एंड गाइस, इसमें जो है काफ़ी सारे जो न्यू फीचर्स है ना, वो भाई हम लोगों को देखने को मिलेंगे। जो भी भाई RS लवर्स हैं उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी ये न्यूज़ है, क्योंकि गाइज ये जो गाड़ी आने वाली है ये R15 से भी काफ़ी बेटर बनने वाली है। क्योंकि गाइज इसमें जो फीचर्स है ना, वो गाइज R15 में भी आप लोगों को नहीं मिलने वाले। सो गाइज सारी डिटेल्स में देने वाले हूँ। आप सभी से बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जो है दबा दीजिए, वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो गाइज, अगर हम लोग बात कर लें बजाज पल्सर RS 200 की, तो गाइज ये जो गाड़ी है ना, उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुई थी तब भाई तहलका ही मचा दी थी। क्योंकि जो इसका जो लुक्स है ना, एंड जो पावर वगैरह इस गाड़ी में आप लोगों को मिलती थी, किसी भी गाड़ी में आप लोगों को नहीं मिल रही थी। एंड इसका जो भाई परफॉर्मेंस है वो भाई नेक्स्ट लेवल था। लेकिन धीरे धीरे जो है इसका जो परफॉर्मेंस वो थोड़ा थोड़ा सा घटता गया। VS6 में तो काफ़ी कम हो गया इसका जो पावर वगैरह, लेकिन गाइस तब भी लोगों में इसका जो क्रेज़ है इतना ज़्यादा है कि तब भी बंदे जो है इसको ले रहे हैं। एंड काफ़ी सारे कलर्स जो ये दे रही थी, लेकिन गाइस ये अपडेट जो कर रही थी ना, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रही थी, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस ही कर रही थी। फीचर्स वाइज कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रही थी। सो गाइस, जब R15 V4 लॉन्च हुई काफ़ी सारे न्यू इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ उसमें हम लोगों को मिल रही थी, लेकिन गाइस उस गाड़ी के वजह से ना इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। क्योंकि इस गाड़ी में जो फीचर्स वगैरह नहीं मिल रहे थे R15 में, वो सब मिल रहे थे, पावर भी ठीक ठाक मिल जा रहा था। सो गाइस, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि RS 200 में कब से हम लोग बोल रहे थे कि RS 200 में न्यू फीचर्स चाहिए, न्यू लुक्स चाहिए। सो गाइस, इसमें जो हम लोग को न्यू लुक्स मिल जाएगा, अभी इसमें जो न्यू फीचर्स मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो फीचर अभी हम लोग को देखने को मिलेगा, अगर बात कर लें सो गाइस, RS 200 में अभी जो है हम लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएंगे एंड मोबाइल कनेक्टिविटी, जो कि भाई R15 में नहीं है मोबाइल कनेक्टिविटी, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आप लोगों को USD सस्पेंशन मिल जाएंगे, जो कि भाई काफ़ी बड़ा एक अपडेट है। एंड गाड़ी में जो है टायर सेक्शन वो भी अभी बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के ये जो है मतलब कि काफ़ी सारे डिसअपॉइंटमेंट्स थे कि 200cc की गाड़ी में आप लोगों को 130 सेक्शन का टायर मिला है रियर में। सो उस हिसाब से फ्रंट में भी आप लोगों को 110 सेक्शन का मिलेगा, रियर में जो 140 सेक्शन का मिल जाएगा, जो कि भाई परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आप लोगों को। सो इसकी जो अगर हम लोग और कुछ फीचर्स की बात करें ना, इस गाड़ी में आप लोगों को नेविगेशन भी मिल जाएगा, जो कि भाई R15 में नहीं है। एंड गाइस, क्विक शिफ्टर एंड जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, वो सब चीज़ें भी इस गाड़ी में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। पावर जो है वो भाई थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा, मतलब कि परफॉर्मेंस के वाइज पावर तो वही 200cc के हिसाब से रहने वाला है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। रिफाइंड इंजन अभी देखने को मिलेगा आप लोगों को RS 200 में। एंड अगर हम लोग बात कर लें RS 200, जो कि भाई R15 को अभी बीट करेगी ही करेगी, सो ये गाड़ी जो है जो भाई काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। इसका जो लुक्स है वो भी काफ़ी सही होने वाला है, फेयरिंग वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। फ्रंट में आप लोगों को LED का देखने को मिल जाएंगे, जो कि भाई काफ़ी सही होने वाला है। प्रोजेक्टर होने वाला है, वो भाई नॉर्मल LED नहीं होने वाला है, प्रोजेक्टर जो वाइट कलर लाइट्स है वो सब देखने को मिल जाएंगे। रियर में आप लोगों को LED में मिलेगा, रियर का जो टेल्ट ID है वो भी भाई चेंज्ड हो जाएगा, क्योंकि भाई वो काफ़ी ज़्यादा पतला था, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कुछ भी अगर लग जाता तो वो टूट जाता था, तो वो अभी मतलब कि चेंज हो जाएगा। एंड जो सीट है वो और भी ज़्यादा कंफर्ट देखने को मिलेंगे सीट्स में। सो गाइस, अगर हम लोग बात कर लें RS 200 की लॉन्च डेट की, तो गाइस इसका जो लॉन्च है वो गाइस 2022 में जुलाई के मंथ में होने वाला है, जो कि भाई काफ़ी सही होने वाला है। एंड सबसे जो हाइलाइटिंग फीचर्स हैं इसमें, आप लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाएगा, फ्रंट में USD सस्पेंशन मिल जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि इसका प्राइस क्या होने वाला है। सो गाइस, ये जो है रिसेंटली ही अभी मेरे को ये लीक्स मिला है कि इसका जो प्राइस है ना वो भाई काफ़ी सही होने वाला है, क्योंकि गाइस इसका जो प्राइस है R15 से भी 10,000 लगभग कम होने वाला है। और गाइज ये काफ़ी बड़ी अपडेट है कि भाई 200cc की गाड़ी, R15 150cc की गाड़ी, एंड फीचर्स उससे भी अच्छे मिल रहे हैं आप लोगों को, टायर सेक्शन भी ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को फ्रंट में, तो उस हिसाब से इसका जो लुक्स है काफ़ी सही होने वाला है। एंड जो प्राइस है ना वो भाई 2 लाख के अंदर होने वाला है, 2 लाख से ऊपर ये गाड़ी नहीं जाने वाली है। ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, R15 का जो ऑन रोड प्राइस M का है वो 2,10,000-11,000 है, तो उससे ये कम होने वाली है लगभग 10,000। तो ये भाई काफ़ी भयंकर चीज़ है कि R15 से भी ये
अच्छी चलने वाली है। सो R15 का जो सेल्स फिगर है ना, आई थिंक ये जब लॉन्च होगी उसी टाइम पे थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि गाइज ये गाड़ी अगर लॉन्च होगी इंडियन मार्केट में, जो पावर वगैरह इसमें आप लोगों को मिलेंगे वो भाई काफ़ी सही होने वाला है। सो गाइज ये था कुछ वीडियो में अपडेट जो कि भाई RS 200 के ऊपर था। आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना कौन कौन जो गाइज इस गाड़ी के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो गाइज ये जो है ज़रूर से ज़रूर इंडियन मार्केट में आने वाली है। सो आप सभी से बस मैं जाने से पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पे अगर नए हो जरूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जो है दबा दीजिए, वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।